नंदी गौशाला में 7 दिवसीय गौ नंदी कृपा कथा व गौ पुष्टि महायज्ञ का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। कथावाचक ग्वाल संत व अतिथियों ने गाय की पूजा कर कथा का शुभारंभ किया। कथा के पहले दिन कथावाचक ग्वाल संत ने गौ नंदी कृपा कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा के पहले दिन कथा स्थल पर महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में शुरू हुई नंदी गौशाला में गुरुवार को 7 दिवसीय गो नंदी कृपा कथा एवं गो पुष्टि महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथावाचक ग्वाल संत व अतिथियों ने गाय की पूजा कर कथा का शुभारंभ किया। कथा के पहले दिन कथावाचक ग्वाल संत ने गो नंदी कृपा कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा का वाचन करते हुए ग्वाल संत ने गाय की महिमा का वर्णन करते हुए सनातन धर्म और संस्कृति में गाय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने गाय को माँ की उपाधि दिए जाने के पीछे के कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया। श्रद्धालुओं को गोपालन और गाय की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने पंचगव्य से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने गौमूत्र और गाय के गोबर से कई असाध्य बीमारियों का निवारण होने की बात कही। कथा के दौरान ग्वाल संत ने गाय की महिमा से ओतप्रोत कई भजनों की प्रस्तुतियां भी दी। कथावाचक ने गाय का महत्व का वर्णन करते हुए गाय को पूजनीय बताया। करे तो उस व्यक्ति की चर्म रोग की बीमारी समाप्त होती है। अगर किसी को दाद हो जाए तो गाय माता के गोबर के रस को गाय माता के घी में मिला करके उसमें थोड़ा सा, जिस बच्चे का जन्म ऑपरेशन से हुआ भविष्य में उसके जीवन से, अगर कोई ब्राह्मण देवता गलती से अभक्ष वस्तु का भक्षण कर ले, गाय माता के गोबर की पवित्रता की पुराणों में वर्णन आता है कि कोई ब्राह्मण देवता गलती से नहीं खाने वाली चीज खा ले। नंदी गौशाला में गुरुवार को 7 दिवसीय गो नंदी कृपा कथा और गो पुष्टि महायज्ञ का आगाज हुआ। 7 दिन तक चलने वाली इस कथा में कथावाचक ग्वाल संत द्वारा गाय की महिमा पर प्रकाश डाला गया। कथा के पहले दिन बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली समेत कई पार्षद और सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।